Hi, this is Atau Rahman, and today I am going to discuss about the William Wordsworth, a romantic poet of 19th century. William Wordsworth ka naam bahut hi numaya hai in the history of English literature, that if you are a student of English literature, you cannot complete your study without studying William Wordsworth. So there are so many questions, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं जिनका जवाब इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में मिलेगा. लाइक द क्वेश्चन लाइक व्हाई ही इज़ कॉल्ड अ रोमांटिक पोएट, और द डेफिनेशन ऑफ द पोएट्री अकॉर्डिंग टू द विलियम वॉर्ड्सवर्थ. वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिरिकल बैलेट्स ऑफ द विलियम वॉर्ड्सवर्थ, अबाउट हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर. सो दीज आर ऑल द एरियाज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. So a lot to know, a lot to discuss, but first, if you are new on this channel, so you have to subscribe and press the bell icon of this channel so you can have the more notification of our coming videos. ये जो हमारी वीडियो है इसके दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट्स में हम इसकी विलियम वॉर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी, उसके रोमांटिक इराह के आगाज़, उनकी जो है ना उनको वाई इज़ कॉल्ड अ रोमांटिक पोएट, लिरिकल बैलेट्स, उनकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू विलियम वॉर्ड्सवर्थ, पोएट्री की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे, विलियम वॉर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स English literature discuss karenge. So a lot to know, a lot to discuss, and the first starting with his biography. William Wordsworth was born on the April 7, 1770 and died on April 23, 1850. In the first part of his life he was against the formal education, but later he joined the University of Cambridge. And actually it was William Taylor, who was also his teacher, who inspired him to compose poems. William Wordsworth को लेक पोएट भी कहा जाता है. आई विल एक्सप्लेन इन द सेकेंड मॉड्यूल, इन द सेकेंड लेक्चर, दैट वाई इज़ कॉल्ड एज अ लेक पोएट. इन 1798 विलियम वॉर्ड्सवर्थ रोट लिरिकल बैलेट्स. इट वॉज एक्चुअली कॉल्ड एन एरा ऑफ रोमेंटिसिज्म दैट वॉज स्टार्टेड फ्राम डैट पॉइंट. कुछ जो पॉइंट्स रोमांटिसिज्म के आप डिस्कस कर सकते हैं, जो कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने अपनी लिरिकल बैलेट्स में जो है ना डिस्कस की है, वो हैं कि सब्जेक्टिविटी पर उसने ज़्यादा जो है ना फोकस किया है, लव ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स को जो है ना उसने ज़्यादा फोकस किया है, लव ऑफ नेचर उसमें है, सिंपलसिटी है, बल्कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ का एक कोट भी है कि लेट नेचर बी योर टीचर. विलियम वॉर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेट्स है, एक्चुअली इट इज़ अ बुक दैट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 23 पोइम्स. 19 of the poems were written by the William Wordsworth and the rest 4 were written by S.T. Coleridge, that was his contemporary poet. He is also called as a romantic poet. And there is a question, why he is called as a romantic poet, so many time that this question is being asked in the exams. तो इसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि ही इज़ कॉल्ड एज अ रोमांटिक पोएट बिकॉज नेचर वॉज अ सेंटर पॉइंट ऑफ वॉर्ड्सवर्थ पोएट्री. He also said that man was not only a member of the society but an individual with personality for his own. Iske alawa you can also write that William Wordsworth gave more importance to feelings than thoughts. Also you can write about imagination made him a romantic poet. There are so many points. William Wordsworth and his friend S.T. Coleridge revolted against the artificial diction of the neoclassical poets that was represented by Alexander Pope. तो आप इन पॉइंट्स को डिस्कस करके अपनी जो है ना क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं कि व्हाई इज़ कॉल्ड एज अ रोमांटिक पोएट. विलियम वॉर्ड्सवर्थ अपनी लिरिकल बैलेट्स में पोएट्री को डिफाइन भी करते हैं. वो कहते हैं कि पोएट्री इज़ अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स दैट इज़ कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. कि पोएट्री जो है ना वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है पावरफुल फीलिंग्स का, जो कि आप अकेलेपन में, अकेली जिंदगी में जो आप कलेक्ट करते हो. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डेफिनेशन ऑफ विलियम वॉर्ड्सवर्थ रिगार्डिंग द पोएट्री. इसके अलावा विलियम वॉर्ड्सवर्थ की कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लिटरेचर. विलियम वॉर्ड्सवर्थ पोएट्री एक्चुअली ऑफर्स अ मैसेज ऑफ होप, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस. आल्सो विलियम वॉर्ड्सवर्थ पोएट्री रिकमेंड्स द आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. एंड अकॉर्डिंग टू जे सी स्मिथ, विलियम वॉर्ड्सवर्थ ही सेड दैट विलियम वॉर्ड्सवर्थ इज अ माउंटेन, द मोस्ट मैसिव इन लॉफ्टी रेंज, विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विलियम वॉर्ड्सवर्थ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, कि उनको एक तो रोमांटिक पोइट्री का जो रिवाइवल हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में, उसका सेरा विलियम वॉर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज को स्पुर किया जाता है. विलियम वॉर्ड्स को लेक पोइट भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इज इंस्पायरेशन ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट. इन द सेकेंड लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द
important poems of the William Wordsworth, like the Prelude, that is also is a part of the syllabus of English literature, M English literature part 2 in the modern poetry.